गलत साबित हुआ है अखिलेश यादव का योगी साहब को गोरखपुर वापस भेजने का दावा। जी हां, अखिलेश यादव ने दावा किया था कि अब गोरखपुर चले गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां से वो वापस नहीं लौटेंगे। जो उन्होंने ये दावे किए थे कि वो वापस नहीं लौटेंगे, उनके सारे दावे झूठे साबित हुए, क्योंकि सीएम योगी ने कहा था कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और सीएम योगी की ये बातें इस वक्त हर किसी को सच दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी नतीजे भी ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन यहां जब हम आपको सबको बता रहे हैं कि स्थिति कुछ और ही है, यहां हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि स्थिति परिस्थिति की बातें जब होती है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी पर अभी तक मायावती ने सवाल खड़े किए, कांग्रेस तो वैसे भी इस पर निराश थी, और इस हिजाब मामले पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ऑलरेडी अखिलेश यादव पर सारी भड़ास चुनाव प्रचार के दौरान निकाल ही दिया था। अब यहां पर किन किन गलतियों के कारण अखिलेश यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। जी हाँ, पुरानी जो छवि थी समाजवादी पार्टी की, उससे उबर ही नहीं पाए अखिलेश यादव। अपनी पार्टी के लिए जयंत की दोस्ती और मुफ्त बिजली की स्कीम भी कोई काम नहीं आई अखिलेश यादव की, इस पर हम थोड़ा और डिटेल में बात करना चाहेंगे। भाजपा 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए जो तैयार है, इसके पीछे कारण कई और हैं। दरअसल बेरोजगार, महंगाई और छुट्टा जानवरों की समस्याओं को उठाने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लुभावने वादे के बावजूद अखिलेश यादव अगर आज जनता का भरोसा नहीं जीत पाए हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि साल 2017 के मुकाबले उनका प्रदर्शन सुधरा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के समय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़ी सी इमेज खराब यूपी में हुई थी। खैर, सपा को गुंडों की पार्टी हमेशा कहा गया, भारतीय जनता पार्टी इस बारे में फिर से बात करती नजर आई, और यही बात अखिलेश यादव सफाई में अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को गलत साबित नहीं कर पाई है। नई सपा का नारा देकर पार्टी को उस पुरानी छवि को तोड़ने का प्रयास अखिलेश यादव ने किया जरूर है, लेकिन सपा ने जेल में बंद कुछ नेताओं को, दागी और बाहुबली लोगों को चुनाव में उतार दिया, जिसके कारण उनकी सारी बातें गलत साबित हो गई। अभी भी गुंडागर्दी साबित कर दी गई उनकी, मुस्लिम बस्तर तो छवि भी उसके हार का एक कारण बनी है। सपा में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने काशी में विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा में बाकी बिहारी के दर्शन कर इमेज बदलने की कोशिश की, लेकिन आम जनता की नजर में वो हिंदूवादी बिल्कुल नहीं बन पाए। वहीं सस्ती बिजली, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा, शिक्षा मंत्री मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक बनाने और पुरानी पेंशन लागू करने जैसी चुनावी घोषणाएं भी उनकी फेल हो गई, क्योंकि सपा नेताओं के आए विवादित वीडियो भी अखिलेश के बिल्कुल खिलाफ चले गए। कई तरह के आपको बताना चाहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी हुई, जिसमें अखिलेश की पार्टी के कुछ नेता नजर आए, जिसके कारण कहीं ना कहीं अखिलेश का हर एक वादा उलट फेर हो गया और जनता उन पर भरोसा नहीं कर पाई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।